सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम दुबे एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आई स्पॉट यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन के अंदर द हिंदू संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स का हम सभी स्टडी करेंगे और उसकी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं उन सभी आर्टिकल्स में जिन पर हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहला जो आर्टिकल है बेसिकली क्वाड से संबंधित है, क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और सेकंड में हम लोग क्लाइमेट प्रपोजल पे डिस्कशन करेंगे और थर्ड पॉइंट में हम लोग पोस्ट फॉर रिफॉर्म एक एडिटोरियल पेज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं, इस पर हम सभी लोग जानेंगे। इसके बाद क्रिटिसिज्म का जो केस चल रहा है उस पर भी डेली आर्टिकल आप सभी को देखने को मिलते हैं, इस पर भी बेसिकली चर्चा होगी। दो नए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पीसीए एक्ट और पेशा एक्ट और बेका एक्ट, पीसीए एक्ट और बेका पे दो प्रमुख आर्टिकल्स आए हुए हैं। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को हम सभी देखेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू बेस्ट एनालिसिस को। तो बात करें आज के पहले आर्टिकल की, तो जिसमें लिखा हुआ है कि क्वाड इज द क्वाड राइजिंग आफ्टर चाइना चैलेंजिंग एलएससी, यानी कि यदि क्वाड का राइजिंग हो रहा है, क्वाड एक्टिव हो रहा है, जिसमें भारत और बेसिकली अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं और चार प्रमुख देश हैं उनका जो एक संगठन है, और ये दोनों राइजिंग हो रहा है, तो कहीं ये अपने आप में चाइना के लिए चैलेंजिंग पोर्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स समझते हैं कि क्वाड क्या होता है, जिसकी चर्चा पिछले दिनों भी ये आर्टिकल क्वाड से संबंधित आया हुआ था, जिस पे हम सभी लोग चर्चा भी किए थे और सभी इसके एस्पेक्ट को भी डिस्कस किए थे। तो आज एक बार फिर से सबसे पहले समझते हैं क्वाड क्या है। यदि बात करें क्वाड की, तो क्वाड का जो सबसे पहले जो अवधारणा है, भारत जापान यूएस और ऑस्ट्रेलिया द्वारा समुद्री आपदा के समय बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों में सहयोग के लिए आई थी। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने चीन के कारण उपजी भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के नेतृत्वकर्ताओं के परामर्श से 2007 में रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वाड की क्या करती थी, शुरुआत कर दी थी। इसके बाद क्वाड के इसी विचार ने आसियान क्षेत्र में एक मिश्रित प्रतिक्रिया को जन्म दिया और चीन और रूस खुले तौर पर इसके विरोध में क्वाड के सामने आए, खुले तौर से क्वाड के विरोध में सामने उभर के आए। इसके बाद हालांकि 2008 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर आने के कारण वार्ता शिथिल पड़ गई, लेकिन बाद में वह पुनः ऑस्ट्रेलिया इस वार्ता में क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट जो बातें हैं उस पर फिर से वो शामिल हो गया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। 2017 में इस अनौपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया गया जो क्वाड था, ताकि एशिया में जो चीन की आक्रामक जो उदय है उसको बैलेंस किया जाए, उसको संतुलित किया जाए। तथा यदि बात करें क्वाड को, तो नियम आधारित आदेश को ध्यान में रखते हुए पुनर्जीवित किया गया था, ताकि नेविगेशन और ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी कंट्री के ऊपर कोई भी फ्लाइटिंग कर सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐसी भी कंट्रीज हैं जो अपने बॉर्डर्स के ऊपर से या अपनी क्षेत्रीय स्थलीय सीमा के ऊपर से फ्लाइट को भी मतलब कि जाने नहीं देते। तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सा देश है। तो उसकी स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियम का सम्मान, कनेक्टिविटी का प्रसार, समुद्री सुरक्षा का सहयोग और मुख्य तत्वों के रूप में इसको पहचान मिल सके। इसमें अप्रसार एवं आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी बेसिकली शामिल किया गया था। क्वाड को जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, QSD के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस रणनीतिक वार्ता के साथ दुहरदू से मालाबार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी चल रहा है, आप सभी जानते होंगे। मालाबार जो अभ्यास है उसमें अमेरिका, जापान और भारत भी शामिल है। अमेरिका इस अभ्यास में भाग नहीं लेता है, ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में बेसिकली जो है भाग नहीं लेता है। इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, इसका सिद्धांत यह है कि यह क्षेत्र जो है मुक्त और समावेशी बन रहे, यहाँ विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का बेसिकली सम्मान करें। तो बेसिकली यदि हम बात करें क्वाड की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे शायद सभी लगभग आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया, इनको आप सभी तैयार कर सकते हैं और प्रिपेयर भी कर सकते थे। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। इसमें बात की जा रही है कि लिखा है कि रिजेक्ट दिस इनइक्विटेबल क्लाइमेट प्रपोजल, तो जो क्लाइमेट प्रपोजल है उसको रिजेक्ट करने की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए लिखा है बेसिकली जैसे कि जो भी कोल से संबंधित इसमें आर्टिकल, जैसे कि जो भी देश हैं एनर्जी पर बेस्ड होते हैं, अगर एनर्जी किसी भी देश का जो प्रमुख जो पावर है वो है उसकी एनर्जी, अगर एनर्जी नहीं रही तो शायद उस देश का मतलब डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता है। तो लिखा हुआ है कि द UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कॉल फॉर इंडिया टू गिव अप कोल इमीडिएटली एंड रिड्यूस इमिशन बाई 45% बाई 2030 इज अ कॉल टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन द कंट्री एंड द अबैंडन द पॉपुलेशन ऑफ परमानेंट लॉ डेवलपमेंट ट्रैप। तो बेसिकली इसमें कहा गया कि जो UN की जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने इंडिया को ये कहा है कि आप जो जल्द से जल्द गिव अप करिए, छोड़िए या त्यागिए कोल इमीडिएटली, जो कोल इमीडिएटली जिसका इंडिया, हम जानते हैं कि इंडिया जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए कोल्स का सबसे अधिक मात्रा में यूज करता है, कोयले का यूज करता है, तो इसका इमिशन है जो उसका उत्सर्जन है इसको आप सभी लोग कम 2030 तक ओनली 45% इसको रहने दीजिए। ये बातें कही जा रही हैं
जो यूएस सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनी गुटेरस के द्वारा। लेकिन इसमें कई प्रमुख एस्पेक्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आज देखने को हम सभी को मिलेगा कि जहां वहीं अगर यूएन की सदस्यों की बात करें कि यूएन जो है कुछ प्रमुख डाटा की बात करें तो यूएन ने एडवाइस दिया हुआ है कि भारत क्या करेगा, इमिशन को रोकेगा। लेकिन साथ ही साथ यदि यूएन के जो जो अस्थाई जो मतलब कि परमानेंट जो मेंबर हैं और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उन सभी की बात करें और बाकी जो अदर कंट्रीज हैं उन सभी में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इस तरह कि आप हर देश को बता रहे हैं कि आप इतना कम करिए, आप ये कम करिए, लेकिन जो अस्थाई जो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं इसके लिए वो परमानेंट जो मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं इस पर फुल फॉर्म में इसको फॉलो नहीं करें। क्योंकि देखिए कुछ प्रमुख डाटा की बात करें कि वेन द लाइज बिहाइंड द यूएन चीफ्स कॉल टू इंडिया टू सेट असाइड अ कोल राइट अवे, कि जहाँ पे कहा गया कि आप इंडिया को यूएन सेक्रेटरी के द्वारा कि आप कोल को क्या करेंगे, राइट अवे करेंगे, वहीं यूएनएफसीसीसी इटसेल्फ हैज रिपोर्टेड दैट बिटवीन 1990 एंड 2017 द डेवलप्ड नेशंस एक्सक्लूडिंग रशिया एंड ईस्ट यूरोप हैव रिड्यूस देयर एनुअल इमिशन बाई ओनली 1.3%। तो ये एक रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा, UNFCCC के द्वारा। तो उसमें ये कहा गया कि 1990 से लेके यानी 1990 से लेके 2017 तक जो यूएन के जो मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो कोल इमिशन है, जो एनुअल उनका इमिशन है, उसको सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस कर पाए हैं 1.3% अपने आप में, कहने का मतलब बहुत बड़ा फैक्ट है। दिस अमाउंट टू प्रैक्टिकली नील गिविन द इनविटेबल इयर्स टू सच एज अकाउंटिंग, कहीं ना कहीं मतलब इसका जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। वाइल टॉकिंग अबाउट देयर फेजिंग आउट ऑफ कोल विच इज ऑफ एन डिकेट्स मोर इन टू अ फ्यूचर, तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप खुद मतलब इनोवेशन पे बेहतर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि इंडिया की बात करें तो लगभग 1.3 बिलियन कंट्री है अपने आप में। देखिए 1.3 जो बिलियन यहाँ पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना इमिशन को कंट्रोल करेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है सबको इमिशन जो है रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान दें सभी लोग इसको बेसिकली करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ अदर कंट्रीज करें, बाकी परमानेंट मेंबर्स जो हैं उस पर ध्यान ना दें। क्योंकि इसमें देखिए पढ़ेंगे तो लिखा है डिस्पाइट द एक्सेलरेट इकोनॉमिक्स ग्रोथ ऑफ रिसेंट डिकेड्स इंडिया एनुअल इमिशन 0.5 टन्स पर कैपिटा, तो पर कैपिटा जो इंडिया का जो एनुअल इमिशन है वो लगभग 0.5 टन्स है पर कैपिटा। कैपिटा मतलब होता है कि जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है और जो आपका इमिशन है, टोटल पॉपुलेशन का जब इमिशन भाग देते हैं तो वही आता है कैपिटा। तो जो इंडिया का जो इमिशन है लगभग 0.5 टन्स पर कैपिटा है, आर वेल बिलो द ग्लोबल एवरेज 1.3 टन्स। तो जो और जो ग्लोबल जो एवरेज है लगभग 1.3 टन्स अपने आप में है। इज आल्सो दोज ऑफ चाइना द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन द थ्री लीडिंग इमिटर्स इन द एब्सोल्यूट टर्म्स हुज पर कैपिटा इमिशंस आर हायर देन द एवरेज। तो ये जो तीनों कंट्रीज की बात कर रहा है तो इसकी जो पर कैपिटा जो इसका इमिशन है कहीं कहीं सबसे अधिक है, एवरेज से एकदम अधिक है। तो कहीं कहीं अपने आप में कंसर्न का विषय ठीक है सभी लोग करें, लेकिन साथ में साथ जो यूरोपीय यूनियंस हैं और जो यूनाइटेड स्टेट है ये भी चाइना है ये भी अपने मतलब की इमिशंस को कंट्रोल करें। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में आप सभी लोग इसके लगभग सभी एस्पेक्ट को समझ भी रहे होंगे। क्रिटिसिज्म द जुडिशरी एंड द वर्ड ऑफ एडवाइस, क्रिटिसिज्म जो है जुडिशरी एंड द वर्ड ऑफ एडवाइस है, कहने का मतलब जो क्रिटिसिज्म है आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पिछले महीनों ही लगातार फॉर्म में रहा प्रशांत भूषण का केस, उसके बाद फिर हाल ही में एक नया केस आया है सबके उभर के सामने, इसमें लिखा गया है कि द फायर्स क्रिएटेड बाई स्टोक बाई जस्टिस अरुण मिश्रा यूजिंग द पावर ऑफ कंटेंट प्रोविड प्रशांत भूषण एंड फॉर फ्री स्पीच स्टूडरेज। तो जो फ्री फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो इस पर बेसिकली बात की गई है, वाइल्ड सो हियर टू कम एन अदर कंटेंप्ट अगेन, तो इसको कहीं कहीं डील किया गया अरुण मिश्रा के द्वारा। और इसके बाद जस्ट ही एक दूसरा एन अदर कंटेंप्ट वाला केस भी आ गया जिसमें कहा गया कि कंटेंप्ट एक्शन लिया गया बाय द मद्रास हाईकोर्ट जज के द्वारा लिया गया, जिसमें कहा गया कि तमीज जो एक्टर हैं सूर्या वो सपोर्ट पब्लिक ऑफिस हैड इशूड स्टेटमेंट हाईलाइटिंग व्हाट ही फेल्ट वाज अ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो देखिए इसमें कहा गया कि प्रशांत भूषण के बाद जब केस हुआ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का तो उसके बाद ये समझा जाएगा कि कोर्ट जो है कहीं ना कहीं अपने में रिफॉर्म करेगा, लेकिन अभी जस्ट बाद ही मद्रास हाईकोर्ट के जो जज थे उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि जो मतलब कि वहाँ के जो तमिल एक्टर हैं सूर्या उनके द्वारा स्टेटमेंट जो नीट का एग्जाम होने वाला था
उस पर बेसिकली बात की गई थी कि जितने भी मतलब कैंडिडेट हैं आप अपनी कोर्ट के बारे में टिप्पणी की गई थी, यदि आप सुनवाई करते हैं तो वर्चुअल फॉर्म में, वर्चुअल क्लास के फॉर्म में मतलब कि आप सुनवाई करते हैं। और इसके अंतर्गत साथ ही साथ में ये कहा गया कि आप स्टूडेंट्स को कैसे मतलब कि छोड़ सकते हैं डायरेक्ट कि आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आप उनकी मतलब बेसिकली आपको चिंता नहीं है, इस पर टिप्पणी की गई थी। और इस पर कहीं कहीं कंटेंप्ट का फॉर्म फिर से कन्वर्ट हो गया है, जिसमें वहाँ के जज जो हैं SM सुब्रमण्यम उनके द्वारा देखने को मिला है। तो कहीं कहीं इसमें बेसिकली बात की गई फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट जस्ट आर्टिकल 19 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आर्टिकल टू फेथ फॉर द कोर्ट्स एंड जज। तो कहीं कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है अपने आप में सिर्फ आर्टिकल 19(1) नहीं है, बल्कि कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो जज जुडिशरी सिस्टम है, जो कोर्ट्स हैं, जो जज हैं, उन सब में फैथ भी इस्टेब्लिश करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, और जो एक्टिविटी देखने को मिलती है कहीं कहीं उससे फैथ कहीं कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस पूरे आर्टिकल्स में आप सभी लोग इसके बारे में देखेंगे। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को, जिसमें लिखा गया है पुश फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसमें लिखा गया द यूनाइटेड नेशन मस्ट चेंज टू रिफ्लेक्ट द अल्टरनेट जियोपॉलिटिकल रिलेटेड टू अड ऑर्डर स्टेरिलेंट। तो इसमें बात की जाएगी जो यूनाइटेड नेशन है उसमें भी कहीं कहीं रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसमें भी कहीं कहीं कुछ प्रमुख रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसमें भी कुछ प्रमुख सुधार होने चाहिए। जब इसको रीड करते हैं तो एज द यूनाइटेड नेशन कमेंसेड द 75th सेशन ऑफ द जनरल असेंबली द नीड ऑफ इंटरनल रिफॉर्म टू सूट द 21st सेंचुरी कुड नॉट बी स्टार कर। तो कहीं कहीं ये कहा गया कि जो 21वीं शताब्दी है, कहीं कहीं इसमें जो 75वां जो सेशन था जनरल असेंबली का, साधारण सभा का, जो बेसिकली जो 75th सेशन था, उसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन में कुछ प्रमुख सुधार भी, आंतरिक सुधार भी, इंटरनल जो रिफॉर्म्स हैं वो भी होने चाहिए। और इसमें कुछ प्रमुख बातों की भी चर्चा की गई, जिसमें ये कहा गया कि हैज़ अ वॉइस ऑफ कंसर्न दैट उनकी तरह ये कहा गया कि स्ट्रक्चर ऑफ 15 जो मेंबर है सेक्रेटरी काउंसिल के आर टू बी मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये जो स्टेटमेंट है आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि जो यूनाइटेड नेशन के जो 15th मेंबर हैं, जिसमें 5 क्या हैं परमानेंट हैं और 10 क्या हैं नॉन परमानेंट हैं, तो ये जो 5 और 10 मिला के जो 15 मेंबर्स हुए हैं, इनको अपने आप में डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो 5 जो उसमें भी जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो अपने ही मतलब कि प्रॉफिट को मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं, अपने ही मतलब कि राइट को प्रेजेंट करते हैं, अपने मतलब कि सारे सिस्टम को मतलब आगे रखते हैं। तो ये कहीं कहीं अपने आप में कंसर्न की बात है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि कहीं कहीं अपने आप में उसमें भी उसका जो सिस्टम है अपने आप में डेमोक्रेटिक होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्योंकि जो इंडिया है तो इंडिया मतलब वहाँ पर 1.3 बिलियन जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है वो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कहीं कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके कोई भी एक्टिविटी ना करें, आप जो भी लें डेमोक्रेटिक फॉर्म में उसको यूएन में ऐसी होनी चाहिए जो सबको रिप्रेजेंटेट, जो सभी लोग अपनी मतलब कि सबके मतलब कि राइट्स में रख कर ही कोई भी एक्टिविटी की जाए। तो ये बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में बातें की जा रही हैं। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को, इस आर्टिकल में आप सभी देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट नीड रिकॉन्सिडरेशन। यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स यानी PCA जो एक्ट है, इसमें कहीं कहीं रिकॉन्सिडरेशन की जरूरत है। तो बेसिकली हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द PCA एक्ट, बात करें इसकी, तो इसका जो संक्षिप्त नाम है वो बेसिकली है, इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी, ये जो बेसिकली आप रीड किए हैं। इसका विस्तार जो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत में भी है, और यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और विभिन्न राज्यों के लिए इसका अधिनियम विभिन्न मतलब कि बेसिक एस्पेक्ट है। इसमें कुछ प्रमुख जो भी एस्पेक्ट थे मतलब कि जो पशुओं से संबंधित जो प्रमुख एस्पेक्ट थे उसमें कुछ रिफॉर्म की बातें की जा रही हैं इस पूरे आर्टिकल में, जिसमें बधुआ पशु से परिपेक्षित जो भी कुछ पालतू ना हो, अस्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से बधुआ हालत में हो, या परिरोध में, जिसे बधुआ हालत अथवा परिरोध में से उसके निकल भागने में रुकावट डालने या निकल भागने की रोकथाम करने के प्रयोजनार्थ कोई सशस्त्र यंत्र लगा कर रखा गया हो, जिसे बांध कर रखा गया हो, या फिर विकलांग कर दिया गया हो, तो ये कहीं कहीं अपने आप में क्रुएल्टी को दर्शाता है, और इसमें उसके प्रति जो है एक्शन भी लिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख कंडीशन को लिखा बताएगा, जिसमें किसी पशु को पीटना, ठोकर मारना, उस पर अत्यधिक सवारी करना, उस पर अत्यधिक हाकना और जो भी है ये सब बातें करने पर आपको PCA एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो बेसिकली यही आपको समझना है। तो यदि आप इसको रीड करते हैं समझ जाएंगे द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स PCA जो एक्ट 1960 का, इसमें पनिश किया गया मोर सीरियस फॉर्म्स एनिमल वायलेंस विद द पेनल्टी फाइन 50
जो मतलब जिसमें कुछ फाइन्स के अंतर्गत कुछ प्रमुख बातें की गई, फिर भी उसमें कुछ रिफॉर्म्स की बातें भी इस पूरे आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को, जिसमें लिखा गया है कि यूएस कीन टू फाइनलाइजिंग द बेका एक्ट 2+2 डायलॉग। तो यूएस ने क्या किया है, फाइनलाइज कर रहा है इसको, बेका जो है, बेका जो सिस्टम है उसको, मतलब 2+2 जो डायलॉग है इसको मतलब फाइनलाइज कर रहा है। तो ये बेका क्या है, इससे संबंधित संपूर्ण आस्पेक्ट क्या है, इसको आप सभी समझ सकते हैं इसको क्लैरिटी करने के बाद। तो इसका एक संपूर्ण एक छोटा सा आस्पेक्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यदि हम बात करें भारत और अमेरिका के बीच कुछ प्रमुख सूचना संबंधी संधियों की, दोनों देशों द्वारा सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा जो है नामक पहले समझौते पर 2002 में हस्ताक्षर किया गया था, और हाल ही में दोनों देशों के 2+2 डायलॉग के दौरान हस्ताक्षरित कॉम COM CAS समझौता जो है CIS MOU एक संचार और सूचना से संबंधित भारत विशिष्ट संस्करण है, और साथ ही साथ कॉम का जो अमेरिका में है इसको बेसिकली कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेनू मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और आखिरी जो समझौता हुआ वो भू स्थानीय यानी कि जियोलॉजिकल जो सिस्टम है यानी भू स्थानीय सहयोग यानी बेका है, जो दोनों देशों के बीच सैन्य और नागरिक देशों के लिए स्थल समुद्री वैमानिक तीनों प्रकार की सूचनाओं के आदान प्रदान की सहायता के लिए वैधानिक ढांचा निर्धारित करता है। तथा साथ ही साथ बात करें इन सभी की उद्देश्य की, तो भारत और अमेरिका के बीच संवाद को नया रूप देने के लिए नियमित वार्ता का एक अच्छा ढांचा विकसित किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत हो। और इसका एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि हिंद प्रशांत महासागर जो है क्षेत्र में शांति स्थिरता और कायम रखने में भारत अमेरिका मिलकर एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका भी निभाए। और जो प्रस्तावित रचना के तहत अब जो भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 जो डायलॉग है इसके अंतर्गत नियमित रूप से मंत्री स्तरीय वार्ता होती रहेगी, जिससे दोनों देशों की रक्षा और विदेश सचिवों के बीच सतत संपर्क भी बना रहेगा। साथ ही साथ मंत्री स्तरीय वार्ता का नया जो तंत्र है इसको शुरू करके जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसमें शांति और स्थिरता बढ़ाने में भी दोनों देशों के बीच रणनीतिक विचार विमर्श और भी बढ़ेगा। साथ ही इसमें जितने भी प्रमुख आस्पेक्ट हैं उसको आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, और जो भी इंडिया और यूएस के बीच जो भी बेका जो है इसको आप सभी तैयार भी कर सकते हैं। देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। आज का दो हमारा दंदू बेस्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा है कि राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट क्रिटिसिज्म अबाउट 100 वर्ड्स। तो आप सभी लोग क्रिटिसिज्म पे 100 वर्ड्स में अपना फुल डिस्कशन देने का प्रयास करेंगे, क्रिटिसिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है और उसके क्या क्या प्रावधान है। तो फ्रेंड्स आज के इस पूरे सेशन के अंदर इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।